नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल सूप। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स कट करके रख लिए हैं। तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, मशरूम बारीकी से कटे हुए, पत्ता गोभी और मटर, गाजर, बीन्स और शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैं बटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ऑयल का यूज़ करना है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो इसको थोड़ा ब्राउन होने तक हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारी कटी हुई सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों का यूज़ ज़्यादा किया है। अगर आपको कोई सब्ज़ी पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर उसकी जगह कोई और सब्ज़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं सब्जियाँ। तो सब्जियों को मैंने पहले अच्छे से वॉश करके बारीकी से काट लिया है। तो यहाँ पे मैंने मशरूम को गर्म पानी से वॉश किया था। सब्जी ऐड हो गई है, अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो हम सब्जियों को थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए यहाँ पे नमक का यूज़ करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूँगी। तो मैं इसमें थोड़ा सा मटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ थोड़ा सा नमक ताकि हमारी सब्जियाँ थोड़ी जल्दी से गलने शुरू हो जाए। तो आप इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो मैं इस सूप में कॉर्न यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको कॉर्न नहीं यूज़ करने हैं तो आप इसे स्किप कर लें। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में मैंने इसमें कॉर्न ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्स करके ढक के इसे बीच बीच में ऐसे ही चेक करते रहे। तो मैंने 10 से 15 मिनट इसे ढक के ऐसे ही कुक किया था। फिर 10-15 मिनट होने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और पानी ऐड करा। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा मैंने ज़्यादा रखी थी ताकि इसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो तब पानी थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि इससे हमें थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है। तो पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखें। तो मैंने इसको ऐसे ही 35 से 40 मिनट तक लो फ्लेम में पकाया था। उसके बाद मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा था। तो मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है और इसे इस तरीके से घोल के तो मैंने इसमें ऐसे ऐड कर लिया था। तो उसके बाद मैंने इसे 5 से 10 मिनट ऐसे ही हाई फ्लेम पे पकने दिया और उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने इसका फ्लेम गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था और अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो जाड़ों में इस सूप की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।